कल जो है शिवाजी नगर में खुशी का माहौल था, एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, यहाँ पर जो है हज़ारों की तादाद में लोग आए थे। लेकिन आज जो है यहाँ पर MLA रिजवान अरशद की फ़ोटो को जो है चप्पलों का हार डाला गया, उनको उनकी तस्वीर को चप्पलों से मारा गया, ये इल्ज़ाम लगाकर कल यहाँ पर एक CCB की रेड हुई जिसमें यहाँ पर पुलिस वालों ने रशीद को सीज किया था। तो लोगों का कहना यह है कि रिजवान अरशद ने इंफॉर्मेशन पहुँचाई थी, इसकी वजह से जो है यहाँ पर राशन सीज हुआ है। कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, हज़ारों की तादाद में लोग रिजवान अरशद की तारीफ कर रहे थे। आज रिजवान अरशद की फ़ोटो को जो है चप्पलों से मार रहे हैं। तो आप यहाँ के मुकामी हैं, यहाँ के माहौल को अच्छी तरह से जानते हैं, क्या मानते हैं आप इस बात को? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कल तुम्हें भी थे ये माहौल के अंदर, जो चाको आदमी हैं आए, पैसे देखो कौन से भी आदमी को बुलाई नहीं है, जो यहाँ मोहल्ले के जितने भी आदमी थे उनको ख्वाहिश से उन आयसो यहाँ, जो ये डेवलपमेंट होको है ये तो 35 साल से होको था क्या? आज हमें यहाँ बैठ रही क्या वास्ते बैठ रही? ये डेवलपमेंट होने से यहाँ को बैठ रही, नहीं कर तो यहाँ गांजा अफीम रात को ऐसे से होते थे, एक बच्चा आने डरता था यहाँ, समझे? अब ये जो माहौल में रेडा हो रही, ये हो रही, ये इलेक्शन के पहले होती सोची है, परसों BJP के वो इसके घर में हुआ रेड, 7 करोड़ कितने के पकड़े गए, वो क्या की हुआ, फिर कांग्रेस के इसमें हुआ, ये भी क्या की हुआ रहेगा, उन्हों जाको वहाँ से प्रूफ ले लगाना था, सो कहाँ से इन्हों कहाँ से ले लगा है, उन्हें जाको पूछना था, सो इन्हों छुपके थे भी इल्ज़ाम न ले तो एक आदमी जो उन्हें हाँ है फंक्शन में, आदमी हमारा कौन रिजवान भाई हाँ ही, उन्हों फंक्शन में चुपका चुप ले लगो आदमी को, एक मुठ्ठी भर आदमी को ले लगो, इन्हों उन्हों भी नहीं करेगा उनको, उनके इलेक्शन के टाइम को, उनके कॉर्पोरेटर के टाइम को, उन्होंने भी काम करी, आदमी गरीबा को बैठे आदमी नहीं करोगे, नहीं बोल रही हमें किसी भी इल्ज़ाम लगाने से पहले सूचना का था सारा टाइम, समझ रही बात को? क्या भी लिया उन्हें आगो, उन्हें बोला लिया, उन्हें आगो बोला लिया, ये नहीं चलता, ये कौन किया को किसे की बोला ले, कौन किया किसे की बोला, नहीं चलता ये। हाँ क्या है माहौल जो है प्रूफ होना, हाँ प्रूफ इश नहीं है ना यहाँ, जब प्रूफ नहीं तो कैसे इल्ज़ाम डाल दी ना, तुम है क्या प्रूफ, तुम्हारा पास है क्या प्रूफ, उन्हें प्रूफ ले लगा खड़े क्या? अब ये चप्पलों से जो मारे हार जो पीना है हमें नहीं कर सकते काम, वो हमें नहीं कर सकते क्या? हमें जाहिला नहीं, हमें जाहिला नहीं, लेकिन हमें काम नहीं करना, हमारा साथ भी वाली नहीं करना, छोड़ो जाहिली कर सकता जो काम नहीं। कल जो है यहाँ पर सारे लोग जमा थे, हम भी यहाँ पर थे, लोग जो है MLA रिजवान अरशद की तारीफ कर रहे थे, आज उसी लोग जो है एक गुस्से की शक्ल में नजर आ रहे हैं, रिजवान अरशद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज। देखो रिजवान अरशद भी के सामने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर रही, एक मिसाल दे रहा हूँ, वो राशन बांटने के वास्ते जो रेड हुई है, वो राशन नहीं जाने से वो औरतों को तकलीफ हो रही है, लेकिन हुई नहीं तकलीफ उन्हें, हर साल हर रिश्ते बट्टा जदमी वो नहीं बट्टा और कोई नहीं, लेकिन वो मुद्दे को ले ला आपको यहाँ ले ला बदनाम कर को सियासत ही चलने का, ये नहीं चलने देते शिवाजी नगर से, समझ रही? यहाँ मुट्ठी भर आदमी आगो करता, हमें भी जमूँ क्या आदमी को, पूरी आवाम को जमूँ क्या? नहीं ये जरूरत नहीं है, आवाम चाहती है किसे ले लगा ना क्या करना है, आवाम यहाँ देख रही नहीं, अब तुम्हें खड़ी ना यहाँ एक 35 साल, तुम्हें कितने साल से लेकिन इसमें प्रेस के अंदर कितने साल से ही बोले, तुम्हें भी एक बात बोलो मालूम होता सबको, कितने साल से ही तुम्हें आज तक देखे तुम्हें डेवलपमेंट ऐसा देखे क्या? नहीं देखे, आज देख रही तो उसके ऊपर भी बदनामगी, हमारे बच्चे चल रही है, हमारा चल रहा है यहाँ माहौल, हमारे पूरे बाप दादा से नहीं यहाँ, हमें जरूरत नहीं है उन्हें, कर रहा से काम कर लेंगे, तुम्हारा काम तुम्हें करो। आवाम बोलती हमें नहीं बोलते ये बात, अब तुम ना हमें डोर टू डोर बुला ले जा तू सवारी पूरे डोर टू, हमें वो नहीं है मजाक कर ले को मैं डोर टू डोर आदमी के लिए दिखाने के वास्ते, समझ रही? हमें जरूरत नहीं है, अगर ये काम हमें करना है तो सामान करके दिखाती इंशाल्लाह, 2 मिनट का काम करूं, नहीं करना चाहते हमें जाहिला नहीं, हमने क्या है डेवलपमेंट करना, बच्चों को इल्म देना, बच्चों को तालीम देना, एजुकेशन देना, ये वास्ते ऐसा में हमें लड़ना लड़ाया लड़ने का जरूरत नहीं है हमना, समझ? अब ये आवाम जितनी भी आई है दिखाओ जी है आवाम को, है आवाम आई है ना, कई कोई ऐसे यहाँ मजाक कोई ऐसा बैठ को चा पी लग जा रही रात को, नहीं तो हंडरे में आगो बैठना था, पुलिस वाला आता था मार को बेचता था। तो क्या आने वाले दिनों में रिजवान अरशद यहाँ पर फिर से MLA बनेंगे इंशाल्लाह 100%? ये क्या है वो वक्त बताएगा, अब हमें क्या ही बोलने का नहीं है, वो वक्त आता वक्त पर बताती है मैं इंशाल्लाह। सारे लोगों में रिजवान अरशद के खिलाफ गुस्से को देखा गया है,
क्या ये गुस्सा सचमुच का है या लोगों को भड़काया गया है? लोगों को भड़काया गया है इसलिए, यहाँ जो काम चला है कौन सी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना काम नहीं चला है। आप लोग देख सकते हैं, स्कूल डेवलपमेंट है, रोड आन देख सकते हैं, सब कुछ जो है आपकी आंखों के सामने है। क्या भी आप लोगों को बोलने की बताने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और अच्छा और बेहतरीन से बेहतरीन काम होएगा। आज जो चला है वो क्या है? ये एक हादसा, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये क्या एक इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट जैसा है, साजिश, जो उनकी कामयाबी जो है आदमी लोगों ने देखने नहीं हो रहा उनको। क्या मानते हैं जो कल रेशन को सीज किया गया था वो गरीबों में तकसीम होने वाला? हाँ, सही है, बिल्कुल सही है जी। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसमें जो है दूर दूर तक भी इनका कोई हाथ नहीं है। क्या इसमें कुछ सियासी साजिश होगी? हाँ, सियासती साजिश की वजह से ही ये हुआ है, लेकिन उनको जाके ये करना वो करना नहीं। अवाम जो है इतनी 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 मोहब्बत है आवाम के दिलों में उनके लिए, मैं कुछ भी बोल नहीं सकता तुमने, उतनी मोहब्बत है। मैं शिवाजी नगर का हूँ, इधर बैतुल माल का। आपका नाम? वसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? सोनी परवीन। कहाँ वाले आपका? बिहार वाले। बेंगलोर में है कि? हाँ, बेंगलोर में हो गया 4 साल। चार साल पहले शिवाजी नगर ऐसा देखे? ऐसा नहीं देखे थे। कल ये प्रोग्राम हुआ है एक। अच्छा, कैसा दिख रहा है? जाइए। हाँ, अच्छा दिख रहा सर। क्या घूमने आए थे? क्या बस आए थे? हाँ, घूमने आए थे। कैसा दिख रहा है? हाँ, अच्छा दिख रहा है, लाइटिंग भी पूरा फैंसम भी। हाँ, अच्छा दिख रहा सर। पहले गलीजा की थी? हाँ, गलीजा था। अब अच्छा दिख रहा सर। अच्छा हुआ काम? हाँ, अच्छा हुआ। रिजवान अर्शद यहाँ के एमएलए, अच्छा करेंगे, अच्छा किया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आलम है, मैं शिवाजी नगर में 13 साल से रहता हूँ। पहली बार ऐसा देखा हूँ जो चौक का डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। हाँ। अच्छा खूबसूरत सजाया हुआ है। पहले एकदम कचरा था, गाड़ी उड़ी खाने का भी जगह नहीं था, पूरा कचरा था। अभी बहुत अच्छा हो गया है। शिवाजी नगर में रोड भी अच्छा बन गया है, पूरी जगह जो है एकदम खूबसूरत बनाया गया है। पहले से बहुत अच्छा हुआ है। पहले आते तो शिवाजी नगर में परेशान हो जाता। हाँ, अब भी एकदम ईजी है देखने में। हाँ, यहाँ आराम से आकर बैठ सकते हैं। फैमिली के साथ आएंगे? हाँ, फैमिली के साथ आए। क्या नाम तुम्हारा? आलम। कहाँ के तुम्हें नेटिव हो? मैं बिहार का हूँ, यहाँ 13 साल से रहता हूँ, बेंगलोर में। लेकिन अभी 1 साल से ज्यादा, 2 साल से ज़्यादा ही काम देख रहा हूँ। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही काम हो गया, बहुत अच्छा दिख रहा है शिवाजी नगर, बहुत मज़ा आ रहा है एंजॉय करने के लिए। बच्चे लोग के लेके इधर आया हूँ। अफसर पाशा। मैसूर बड़ा मकान वाला है। शिवाजी नगर में हमारे साले का घर है, यहाँ को ही। अब ऐसा अच्छा हुआ है, पहले भी आपको 1-2-3 बार बहुत अंधेरा रहता था, गड़गंजल गलीजा गिरी थी। अब अच्छा पाक साफ है, इत्मीनान से बैठ को आधे घंटे से बैठ को ही हमें इत्मीनान से आएंगे। क्या भी लोग प्रॉब्लम? अच्छा है, अच्छा है। हाँ, जानती है हमें। रिजवान अर्शद मैसूर के। खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, और हमारी भी पहचान है उनके। पूरी मंडी अफसर बोले दोनों पहचान लेते हैं। अच्छा है, इंशाल्लाह अच्छा करी इंशाल्लाह। आज रिजवान अर्शद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या अभी क्या, अभी क्या करना है काम? सही आदमी नहीं कर रहा। अभी करना है क्या काम? हुआ बस नहीं, बस आदमी को सहूलत होने का काम करे बस। और क्या कर सकता है एमएलए?